था और आई को लिख लेता I1 plus I2 याद है कि भूल गया, और I1 I2 को बी के टर्म से निकल लेता और R निकल लेता। यहाँ पे जब सीक्वेंट की बात करते हैं सीक्वेंट को क्या लिखा जाएगा, सीक्वेंट को लिखा जाएगा Q by V, क्या लिखे हैं Q1 plus Q2 by V, अरे याद है कि भूल गया है, कुछ नहीं याद हो गया, हाँ ना बोल यार, अनबैलेंस म्यूचुअल फंड पढ़ने के बाद अपने पढ़ा था क्या, अपने पढ़ा था यहाँ से बिल्कुल सही बोला, कोई दिक्कत वाली बात उसमें बहुत सारे अपने प्रॉब्लम करते हैं इसमें कोई शक वाली बात। उसके बाद अपने सिमेट्रिक प्रॉब्लम बड़े सिमेट्रिक प्रॉब्लम में दो टाइप अपने बातें पड़ती है, सिमेट्रिक प्रॉब्लम कौन सी, एक तो प्लेन मिरर सिमेट्री और एक फोल्डिंग सिमेट्री। जितने सवाल मिरर सिमेट्री में अपने करते हैं सबको दोबारा सबसे फिर से रिपीट कर लो, जो आपने रजिस्टर में पढ़ा था कोई क्वेश्चन आएगा कोई शक वाली बात। उसके बाद अपने क्यू प्रॉब्लम पड़ती है, क्यू प्रॉब्लम मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर्मूला मैंने पढ़ा था एक से लेकर नहीं निकले कौन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का कौन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का